i welcome you all my channel and today i am going to discuss a very you can say initial discussion in the field of education where we read where we study education as a discipline first of all when we study education as a discipline the first topic we have to read is we have to study is meaning and nature meaning nature and scope of education and the next second next topic it would be what is education what is its nature it is science or it is art so सबसे पहले हमको ये देखना है क्योंकि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी सुनेंगे इस वीडियो को कि शिक्षा क्या है पहले हमने जाना शिक्षा को हम यहाँ लेमैन की तरह से नहीं देख रहे हैं शिक्षा को यहाँ पर हम एक विषय की तरह दर्थ से देख रहे हैं तो हमने सबसे पहले जब शिक्षा शास्त्र को हम एक विषय की तरह से पढ़ रहे हैं तो हमने पहले देखा कि उसकी उसका अर्थ क्या है किसको हम शिक्षा कहेंगे किसको शिक्षित कहेंगे उसका नेचर उसकी प्रकृति क्या है उसका स्कोप क्या है उसका विषय क्षेत्र क्या है उसके बाद हम जाने कि हम इसको किस श्रेणी में रखें हम इसको विज्ञान माने या हम इसको कला माने <coughs> तो छोटा सा टॉपिक है और इस पर शॉर्ट नोट्स अक्सर पूछा जाता है तो हमारे पास कंसेप्ट हमारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि एजुकेशन क्या है तो सबसे पहले हम इसको शिक्षा को विज्ञान या कला माने उसके लिए जरूरी है कि पहले हम ये जाने कि हम विज्ञान किसे कह रहे हैं हम कला किसे कह रहे हैं तो हम किसे कह रहे हैं विज्ञान वॉट इज साइंस साइंस इज ए सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज इन ए पर्टिकुलर फील्ड ऑफ दर्ल्ड सीधी सरल सपाट डेफिनेशन हम साइंस की दे सकते हैं कि ये बॉडी ऑफ नॉलेज तो है पर सिस्टमैटिक है यानी कि जब भी साइंस की बात होगी सिस्टम की बात होगी हैपजर्ड वे में साइंस नहीं चलता है यानी कि किसी भी फील्ड ऑफ वर्ल्ड में किसी पर्टिकुलर फील्ड ऑफ वर्ल्ड में अगर सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज ही साइंस है जनरल लॉज रेगुलेटिंग द फेनामिना इन दैट फील्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स यानी कि ये क्या कोशिश करता है कौन विज्ञान किसको डिस्कवर करता है जनरल लॉज डिस्कवर करता है जो कि फेनामिना को रेगुलेट करते हैं किसी भी घटना को रेगुलेट करते हैं और हम इसको जानते कैसे हैं या तो प्रेक्षण से या प्रयोगों से हम 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 या तो तो ऑब्जर्व करते करते हैं या हम करते हैं हैं एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये जनरल लॉज डिस्कवर साइंस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि इंटेलेक्चुअल एंड प्रैक्टिकल एक्टिविटी प्रायोगिक और इंटेलेक्चुअल <coughs> बौद्धिक क्रिया है दैट इनकम सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ द फिजिकल एंड नेचुरल वर्ल्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट यानी कि प्रेक्षण के द्वारा प्रयोगों के द्वारा हम फिजिकल या नेचुरल वर्ल्ड के बिहेवियर या स्ट्रक्चर की सिस्टमैटिक स्टडी कर रहे हैं और ये वो क्रिया है जो कि प्रायोगिक है या बौद्धिक है या प्रायोगिक और बौद्धिक है तो इस प्रकाश में इस अर्थ में अगर हम साइंस को इस लेंस से देखते हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि यस एजुकेशन इज साइंटिफिक इन नेचर क्यों क्योंकि एजुकेशन में भी हम सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ेंगे सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है हमको बहुत सारी थेरीज मिलेंगी हमें पैराडाइम मिलेंगे हमें पैराडाइम शिफ्ट मिलेंगे इसकी मेथडोलॉजी है इसका अपना व्यवहार है तो ऑब्जर्वेशन है एक्सपेर एवरी एजुकेशन हैज़ तो हम कह सकते हैं कि जो विज्ञान है या जो शिक्षा है शिक्षा शास्त्र है वो एक विज्ञान है येस इट इज ए साइंस हम कह सकते हैं इट हैज़ इट्स ओन थियरीज एंड लॉज फॉर अरेंजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशनल एक्टिविटीज ओके तो इस तरीके से हम देखें तो हमको शिक्षा क्या दिख रहा है विज्ञान दिख रहा है फिर हम देखें और एजुके और क्या इसमें कहा जा सकता है डीवी साहब ने इस पर काम किया है लिखा है इस पर उन्होंने क्या कहा है डीवी बहुत जाने माने नाम है जो लोग शिक्षा शास्त्र के विषय में नए हैं वो डीवी को नहीं जानते आगे जानेंगे डीवी <coughs> जॉन डीवी इनका पूरा नाम है डीवी वी गोज ऑन टू एक्सप्लेन दाइंस दैट इंपैक्ट अबर सिस्टमैटिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एजुकेशन तो ये कह रहे हैं कि फिलोसफी पढ़िए बायोलॉजी पढ़िए सोशलॉजी पढ़िए साइकोलॉजी पढ़िए स्टैट्स पढ़िए सब क्या है डीवी वी आर यूज तर्क देते हैं कि दीज आर दी सोर्सेज ऑफ अवर साइंटिफिक नॉलेज इन एजुकेशन कि ये वो साइंटिफिक नॉलेज के सोर्स हैं जो हमको शिक्षा में मिलते हैं सिस्टम System, सिस्टमैटिक uh, है ऑर्गेनाइज है एक्सपेरिमेंट है यहाँ पर

क्योंकि हमारा टॉपिक जो हमारे मेन हेडिंग है वो क्या है एजुकेशन क्या है शिक्षा है शिक्षा क्या है विज्ञान है या कला है तो हम यहाँ देख रहे हैं कि शिक्षा क्या विज्ञान है कि कला है कि दोनों नहीं है कि दोनों है लास्ट में हम क्या समाप्त करके निकलते हैं ये देखा जाएगा फिलहाल हमने ये देख लिया कि हाँ शिक्षा जो है वो विज्ञान तो है अब देखें क्या शिक्षा कला है कि नहीं तो सबसे पहले जाने कला क्या है आर्ट इज़ मेनली यूज इन टू सेंसेस हम आर्ट को दो सेंसेस में इस्तेमाल करते हैं जनरली क्या वन फॉर प्रोड्यूसिंग समथिंग ब्यूटिफुल आर्ट का क्या मतलब कुछ ऐसा जिसको देख जो कुछ अच्छा कुछ खूबसूरत क्रिएट हो रहा है कोई एस्थेटिक सेंसेस सौंदर्यात्मक अनुभूति जब होती है तब हम कहते हैं कि कितनी सुंदर डिज़ाइन है कितना सुंदर नृत्य है कितना सुंदर गायन है है ना एग्जाम्पल सिंगिंग डांसिंग पेंटिंग एंड एंड दूसरा कौन सा सेंस है? साइंग नॉलेज इन रियलाइजिंग सम यूजफुल एंड या हम क्या कह सकते हैं आर्ट है किस कि सेंस में यूज हो रही है कि हमने उस नॉलेज को अप्लाई करके हम कुछ बेहतर पा रहे हैं जैसे सर्जरी कितना महीन से महीन ऑपरेशन होता है इंजीनियरिंग ये भी तो एक आर्ट है इंजीनियरिंग भी आर्ट है क्यों क्योंकि हम नॉलेज का एप्लीकेशन करके किसी यूजफुल एंड को पाना चाह रहे हैं तो आर्ट इन दो सेंसेज में इस्तेमाल हो रहा है फिर इन दिस सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग अगर हम इस समझ से चलें तो एजुकेशन क्या है एजुकेशन शुड भी रिकॉर्डेड एज एन आर्ट हम एजुकेशन को आर्ट कहेंगे क्यों एज इट टू मेक ह्यूमन एक्टिविटीज ब्यूटीफुल एंड मीनिंगफुल क्यों क्योंकि ये प्रयास करता है कौन शिक्षा शिक्षा प्रयास करती है कि मनुष्य की जो गतिविधियां हैं उनको खूबसूरत और अर्थपूर्ण बनाया जा सके इट यूटिलाइज द नॉलेज एंड टेक्निक्स ऑफ इट्स ओन एंड अदर डिसिप्लिन लाइक साइकोलॉजी इकोनॉमिक्स फिलोसफी एंड सो फिर यूजफुल एंड की तरफ भी ले जाती है जैसे साइकोलॉजी में इकोनॉमिक्स में फिलॉसफी में तो आर्ट क्या है आर्ट इज समथिंग दैट स्टिमुलेट्स एन इंडिविजुअल्स थॉट्स यानी कि अगर हम किसी व्यक्ति को स्टिमुलेट कर दें उसके थॉट्स को उसके इमोशंस को उसके बिलीव्स को उसके आइडियाज को थ्रू द सेंसेस अगर हम एकदम उद्वेलित कर दें किसी को तो वो आर्ट है इट इज ऑल्सो एन एक्सप्रेशन ऑफ एन आइडिया एक आइडिया का एक्सप्रेशन है एंड इट कैन टेक मैनी डिफरेंट फॉर्म्स एंड सर्व मैनी डिफरेंट पर्पजेज तो बहुत सारे इसके स्वरूप हो सकते हैं और बहुत सारे इसके पर्पज हो सकते हैं तो इस सेंस में क्या है एजुकेशन इज एन आर्ट शिक्षा क्या है कला है क्यों एजुकेशन इन इट्स लार्जेस्ट सेंस इज इज एन एक्ट एक्ट और और एनी एक्सपीरियंस दैट हैज़ अ फॉर्मेटिव इफेक्ट ऑन द माइंड कैरेक्टर और फिजिकल एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल यानी कि शिक्षा को अगर हम बड़े सेंस में देखेंगे लार्जर में देखेंगे तो वह क्या कि हमारे मस्तिष्क पे हमारे चरित्र पे हमारी फिजिकल एबिलिटी पे वो एक फॉर्मेटिव इफेक्ट डाल रही है यानी कि सेंसेस का क्या हो रहा है स्टिमुलेशन हो रहा है थ्रू सेंसेस स्टिमुलेशन हो रहा है हमारे थॉट्स हमारे बिलीव्स हमारे इमोशंस और हमारे आइडियाज यही कह रहा है कि आर्ट यही है तो एजुकेशन क्या हो गया एजुकेशन इज एन आर्ट इसका मतलब कि हम कंक्लूड क्या करेंगे हम कंक्लूड करेंगे कि कोई विवाद नहीं है शिक्षा विज्ञान है कि कला है बल्कि शिक्षा विज्ञान भी है और शिक्षा कला भी है एट लास्ट वी कैन कंक्लूड दैट एजुकेशन इज बोथ अ साइंस एंड आर्ट यानी कि शिक्षा जो है वो विज्ञान भी है कला भी है इन फैक्ट इट कैन बी सेड दैट एजुकेशन इन प्रोसेस ऑफ सर्चिंग द साइंस इन एन आर्टफुल मैनर या हम ये कह सकते हैं ये हम हम इसको कैसे इसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि शिक्षा वो प्रक्रिया है जिसमें हम साइंस को सर्च करते हैं लेकिन एक आर्टफुल मैनर में सर्च करते हैं तो सो वी कैन से दैट एजुकेशन इज अस्ट साइंस एज वेल एज एन आर्ट टू ओके तो छोटा टॉपिक है लेकिन अक्सर इस पर मैटर मिलने में थोड़ी दिक्कत होती है तो इंग्लिश में मैटर आपके पास है हिंदी में आप इसका ट्रांसलेशन कर लीजिए इसको अपने शब्दों में लिख लीजिए आपको मैंने भाव समझा दिया ओके सो डन फ्रॉम माई साइड थैंक यू